सो गुड मॉर्निंग क्लास, फिर से आपका स्वागत है हमारे अपने चैनल मेरी पढ़ाई पे, जो कि YouTube का बहुत अच्छा ग्रो अप चैनल है। ठीक है, आप पढ़ सकते हो, आप सारी प्रिपरेशन कर सकते हो, IIT JEE से लेके नीट की फाउंडेशन कर सकते हो प्रिपरेशन, एंड IAS PCS, आप सिविल सर्विस की भी प्रिपरेशन हमारे सिविल ऑफिसर्स जो कि रिटायर और सर्विस में है उनसे भी कर सकते हो। ठीक है, आप अच्छे से पढ़ो और कंटिन्यू पढ़ाई करो। प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज हम बात करते हैं क्लास 10th में इलेक्ट्रिसिटी में जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं हम आज, वो है हमारे पास टॉपिक इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। ठीक है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस क्या होता है पहले तो हम सर्किट के थ्रू समझ लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं आगे। आप देख रहे हो सर्किट में बैटरी लगी हुई है, फिर देख रहे हो ये इलेक्ट्रॉन प्लस माइनस मिलकर चार्ज बनाते हैं, मैंने पहले बताया था। पोटेंशियल डिफरेंस लिखा हुआ है, इसका मींस दैट मींस कि प्लस और माइनस के बीच में जितना डिफरेंस कवरअप होता है ड्यूरिंग द फ्लोइंग ऑफ करंट, ठीक है, दैट्स कम्स अंडर द पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पे क्या होता है, जितना पोटेंशियल होता है उसी अकॉर्डिंग क्या होती है, करंट फ्लो होती है। और वो पोटेंशियल हमको मिलता कहाँ से, बैटरी से, क्योंकि बैटरी के पास ताकत होती है, उसके अकॉर्डिंग वो क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन को फ्लो करेगी, यानी उस ताकत में क्या होगा, उसकी पोटेंशियल, पोटेंशियल इन्हों हिंदी बोलते हैं क्षमता। ठीक है, तो वो जितनी क्षमता होगी उसके अकॉर्डिंग ही उसको क्या होगा, करंट फ्लो होगा। क्लास ध्यान रखना ये बात, ठीक है, कोई नहीं बताता, मैं सारी चीज़ क्लियर कर रहा हूँ कि ये चीज़ कहाँ से बनी। ये जो लिखा हुआ है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ये कहाँ से बना, ये यहाँ से बना। अगर जितनी क्षमता है बैटरी के पास, बैटरी उतने करंट तो फ्लो करेगी, ज़्यादा है तो ज़्यादा फ्लो करेगी, कम है तो कम फ्लो करेगी। इसका मतलब यहाँ से ये चीज़ समझ में आई है, क्या समझ में आया, यहाँ से ये समझ में आया है हमें कि बैटरी में जितनी पावर होगी करंट उसके अकॉर्डिंग ही फ्लो होता है, यानी जो बैटरी का पोटेंशियल होता है उसके अकॉर्डिंग ही इस वायर में करंट फ्लो होता है। यानी इसीलिए जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, इतना समझ में आया। उसके बाद तार, तार की अपनी एक डेंसिटी होती है जो क्या करता है, करंट को अपोज करता है, तो इसलिए यहाँ पे एक कॉन्स्टेंट आया है आई आर, क्या आया, आर आया। ठीक है, फिर आर को हमने इधर ही रहने दिया और आई को नीचे ले आया, तो हमारे पास क्या बन गया है, V अपॉन आई। वी पोटेंशियल है, पोटेंशियल की यूनिट वोल्ट होती है, आई की आई, आई इज अ करंट, करंट की यूनिट एम्पियर होती है, तो वोल्ट अपॉन एम्पियर क्या बनाता है, ओम, क्या बनाता है, ओम। तो आर की यूनिट होती है ओम और रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल से। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे, अब पढ़ लेते हैं हम अपने भाई लोगों की बातें, कुछ भाई लोगों की बातें जान लेते हैं, भाई लोग क्या बता रहे हैं आपको, ये देख लो। ठीक है, कह रहे हैं वॉट इज इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, तो क्या है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर ड्यू टू विच इट ऑब्स्ट्रक्ट्स द फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। देखो मैंने पहले बताया था क्या, कंडक्टर में, ठीक है, जिस वजह से, ठीक है, करंट को अपोज होता है, ऑब्स्ट्रक्ट लिखा है ना, ऑब्स्ट्रक्ट मतलब होता है अपोज होना। ठीक है, वो अपोज करने का प्रॉपर्टी किसके पास होता है, रेजिस्टेंस के पास। ठीक है, तो जो अपोज करता है कंडक्टर में, जो प्रॉपर्टी होती है कंडक्टर की, ठीक है, जिसकी वजह से वो करंट अपोज करता है। ठीक है, मान लो हम जा रहे हैं, हमें कोई रोक रहा है, ठीक है, हम किसी रास्ते जा रहे हैं, वो रास्ता है तार, और हमें कोई रोक रहा है उस तार में, वो है रेजिस्टेंस। ठीक है, तो करंट जा रहा है और रोक कौन रहा है, रेजिस्टेंस रोक रहा है। ठीक है, और करंट फ्लो हो रहा है तो इसलिए इलेक्ट्रिक आया, और रेजिस्टेंस रोक रहा है तो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस आया है। ठीक है, ये चीज़ आप देख सकते हो, ये चीज़ समझ में आ गई, भाई ने मेरे बता दी आपको। अब बात करते हैं हम लार्जर यूनिट ऑफ ओम, मेगा ओम, ओम लार्जर यूनिट ऑफ ओम क्या होती है, मेगा ओम, और स्मॉलर यूनिट ऑफ ओम क्या होती है, माइक्रो ओम। तो क्लास ये बहुत इजी टॉपिक है, बहुत बढ़िया है, शानदार है, आप देख सकते हो और समझ सकते हो, एक एक चीज़ बहुत अच्छे से आपको मैंने क्लियर की है। ठीक है, आप समझो, नेक्स्ट हम आपको अब पढ़ाएंगे जो भी कंडक्टर पे डिपेंडेंसी होती है, ठीक है, कि कोई करंट फ्लो हो रहा है तो फ्लो होने के लिए क्या क्या डिपेंडेंसी होती है वो आपको हम बताएंगे।